टॉपिक कर रहे हैं हम लोग, बताओ, जंबल्ड सेंटेंसेस। तो मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है, ही वॉज वेरी वाइज एंड सपोर्टिव, देयर वॉज अ किंगडम वेयर ए किंग नेम्ड अकबर लिव्ड, एवरी वन वॉज हैप्पी इन हिज किंगडम। तो आपने ये सीक्वेंस बोला सर 2 3 1 4 होना चाहिए, तो ये बात सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है। सबसे पहले किंगडम होना चाहिए। तो एक बात हमें ध्यान रखना है कि हमेशा सेंटेंस होने स्टार्ट किससे होगा, नाउन से होगा। किससे होगा, नाउन से स्टार्ट होगा। अब नाउन में भी दो तरह की कैटेगरी होती है, एक होता है प्रॉपर नाउन, कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, और एक क्या होता है, कॉमन नाउन, यस और नो। जैसे मैं बोलता हूं अकबर और मैं बोलता हूं किंग, तो मुझे बताओ अकबर तो कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, बोलो कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम आया, कॉमन नाउन जैसे किंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आपने बहुत अच्छे से बोला कि सबसे पहले हमने बोला देयर वॉज ए किंगडम, तो ये क्या है, क्या है, नाउन है, यस और नो, बोलो यस और नो। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने बोला कि सबसे पहले एक नाउन आएगा, तो फिर हम बात करेंगे कि वो नाउन के बाद हम बात करेंगे वेयर ए किंग, फिर से क्या आया हमारा, नाउन आया, नेम्ड अकबर, फिर क्या आया, प्रॉपर नाउन आया, फिर थर्ड पॉइंट पे हम देखेंगे। अब अगला पॉइंट जब आएगा कि ही वॉज वेयर वेरी वाइज एंड सपोर्टिव, एवरी वन वॉज हैप्पी इन हिज किंगडम, तो मुझे बताओ कि कोई भी आदमी सपोर्टिव होगा तब आदमी हैप्पी होंगे, या पहले हैप्पी होंगे बाद में लोग सपोर्टिव होगा, पहले ये क्लियर करो। पहले पहले उसकी क्वालिटी की बात की जाती है और फिर हम किसकी बात करते हैं उसके, ठीक है, ओपिनियन, ओपिनियन कह सकते हो, या फिर जो लोगों का सोच है उस किंग के लिए, ये बात समझना। यानी एक बात हम आपको यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप प्रायोरिटी किसको देंगे, नाउन को देंगे, ठीक है। चलिए, तो कुछ रूल्स हैं जो हम एक एक करके देखते जाते हैं और चीजों को समझते जाते हैं, ठीक है। देखिए, सेंटेंसेस दिए जाएंगे आप लोगों को, ये रूल्स आप लोग पढ़ लेना, इतना मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा सीधा इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पे मैं आता हूँ। देखिए, सबसे पहले किसको आपको प्रायोरिटी देना है, नाउन को देना है, यस और नो, क्या ये बात समझ में आ रही है, सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देना है आपको, नाउन, ठीक है। उसके बाद आपके पास अलग अलग टाइप के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें प्रोनाउन है, यानी नाउन का प्रायोरिटी पहले देंगे और फिर आप किसको दे सकते हैं, प्रोनाउन को दे सकते हैं, हालांकि चीज़ें और भी है लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी ऑलवेज गिवन टू नाउन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो। प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, हु हुम विच दैट, ये सब, डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस दैट दोस, ठीक है, ही सी इट हिम दे, यहाँ ये वर्ड जहां भी आपको दिखे समझ लीजिएगा वो सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस कभी नहीं हो सकता, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। कभी भी ऐसे प्रोनाउंस देखने को मिले हु हुम से ही स्टार्ट हुआ है पहला सेंटेंस या कोई भी सेंटेंस, तो वो सेंटेंस कभी भी पहला नहीं हो सकता, या फिर सेंटेंस की स्टार्टिंग ऐसे शब्दों से हम नहीं कर सकते, ठीक है। दिस दैट ही सी इट का इस्तेमाल हम नहीं करते जनरली, किसमें, सेंटेंस का स्टार्टिंग में या पहला सेंटेंस पैराग्राफ का नहीं हो सकता, क्या ये बात समझ में आ रही है, यस और नो, ठीक है। यानी ऐसे वर्ड देखें तो ये फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, नहीं होगा, क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो क्लियर है, यस और नो। आगे चल करके बहुत सारे कंजंक्शंस है जिसका इस्तेमाल जैसे हम लोग लिखते हैं, सो हो गया, बट हो गया, देयर फोर हो गया, हाउएवर हो गया, है ना, तो ऐसे वर्ड यूज अगर कहीं किए गए हैं तो ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता, मैं आगे चल के बताता हूँ, चिंता वाली बात नहीं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ से बताना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, बाकी थ्योरी आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आपको पहले ये देखना है कि पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, टॉपिक क्या है। अगर कोई वर्ड रिपीट किया गया है एक से ज़्यादा सेंटेंस में, तो सेंटेंस को एक एक करके हम पैराग्राफ में लिख सकते हैं। अगर कोई सेंटेंस नेम ऑफ ए पर्सन से शुरू हो रहा है, तो एक बात कन्फर्म है कि कहीं ना कहीं पहला सेंटेंस वो पैराग्राफ का हो सकता है, क्या ये बात समझ में आ रही है। नेम मतलब क्या है, नाउन, समझ में आ रहा है, और नाउन मतलब कौन सा, प्रॉपर नाउन, बात समझ में आ रही है, यस और नो, बोलो क्लियर है। अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है प्रोनाउन से,
लेकिन उस प्रोनाउन में दोस्त प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, आई नहीं होना चाहिए और यू नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों प्रोनाउन के अलावा कोई दूसरा है, जैसे ही, सी, इट, दे, तो वो सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। यानी आई और यू से यूज हुआ तो फर्स्ट हो सकता है, और अगर ही सी इट दे से स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट सेंटेंस कभी भी नहीं हो सकता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बात मैंने आपको पहले भी बता दिया अभी 2 मिनट पहले, कि ये जो प्रोनाउंस हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो ये सारी चीज में आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बताइए जरा, कि वो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। बात क्लियर है सबको? यस और नो? वैसे ही अगर कोई सेंटेंस दैट दीज दस दोज से स्टार्ट हुआ है तो वो सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ में आ रही है? दैट दीज दस दोज से स्टार्ट अगर कोई सेंटेंस हो रहा है तो पहला सेंटेंस कभी नहीं होगा, या सेंटेंस की शुरुआत उस इस वर्ड से नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो मुझे बताओ अभी तक आपने क्या समझा कि सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हो सकती है जब हम क्या यूज कर रहे हो, नाउन यूज कर रहे हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस और नो टेल मी। ठीक, आगे बात कर। अब आगे चल करके मेरे पास आर्टिकल्स के साथ हमारा मुलाकात हो सकती है। तो जैसे आर्टिकल मेरे पास ए है और एन है और द है, तीनों आर्टिकल अलग अलग लाइन में यूज किए गए, तो एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, और अरेंजमेंट्स आप लोगों को एक से ज़्यादा दिया गया है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, आर्टिकल में सबसे पहले ए आर्टिकल पहले आता है, एन आर्टिकल बाद में आता है सेकेंड प्रायोरिटी, और द आर्टिकल भी सेकेंड प्रायोरिटी है। यानी अगर आप देख रहे हो भॉवल साउंड कर रहा है तो एन लगा दो, और भॉवल साउंड अगर नहीं कर रहा है तो क्या लगा दोगे, द लगा दोगे। समझ में आ रही है बात? यस और नो? यानी एक बात तो कन्फर्म है, ठीक है, कि अगर आर्टिकल ए लिखा है, जैसे मैं लिखता हूं ए बॉय इज प्लेइंग, द बॉय वॉज हैप्पी, द बॉय वॉज हैप्पी, आप खुद ही बता दो मुझे कि कौन सा सेंटेंस पहला आएगा, ए बॉय इज प्लेइंग या द बॉय वॉज हैप्पी, पहला सेंटेंस कौन सा आएगा? सीधी बात है, कॉमन सेंस। यही चीज कहा जा रहा है कि अगर आर्टिकल में भिड़ंत हो जाए तो पहले कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे आप, ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है, यस और नो? ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं, ठीक, अब मैं लिख रहा हूं एन एम्ब्रेला वाज बॉट, एक अम्ब्रेला खरीदा गया था, द अम्ब्रेला वॉज एक्सपेंसिव, द अम्ब्रेला वॉज क्या, वॉज एक्सपेंसिव, महंगा था वो, तो मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस यूज करोगे पहले आप, द अम्ब्रेला वॉज, एन अम्ब्रेला। आप देख रहे हो कि दोनों का वेटेज तो सेम ही है, एन और द का, लेकिन पहले इस्तेमाल किसका होगा, एन का होगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट किस तरह से दी गई है, तो आप कहीं ना कहीं इस बात को समझ पा रहे हैं, यस और नो? ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो इसी तरह से आगे चल करके आपको तीन नए वर्ड्स का इस्तेमाल की करने को दिया जा सकता है, जो मोस्ट फेमस और पॉपुलर वर्ड्स हैं, जैसे बट है, सो है और नाउ। पहले ये बात आपको समझना पड़ेगा कि कभी भी अगर बट, सो और नाउ से स्टार्ट किया हुआ सेंटेंस है तो ये, पहली बात, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का कारण बताना है तो पहले आपको उसका स्टेटमेंट बताना पड़ेगा। यस और नो? मुझे बताओ, स्टेटमेंट एंड रीजन आप पढ़े होंगे, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स, तो आर्गूमेंट पहले आप देते हो या स्टेटमेंट पहले होता है, बताइए? पहले स्टेटमेंट होता है तभी तो आर्गूमेंट्स देते हो। तो ये सब क्या है, बट आई विल नॉट गो, तो आप पहले बताते हो ना कि कहाँ जाना था, नहीं जाना था, तो पहले यू डिसाइड कि व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट। तो कहने का मतलब, अगर आपको तीन वर्ड्स का इस्तेमाल करने के लिए दे दिया कि तीनों अलग अलग सेंटेंस है, बट, सो और नाउ, तो इस प्रोसेस में ध्यान रखिएगा कि पहला प्रायोरिटी आप बट को देंगे, उसके बाद प्रायोरिटी किसको देंगे, सो को देंगे, और थर्ड प्रायोरिटी को किसको देंगे, किसको देंगे, नाउ को देंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर है सबको कि नहीं? यस और नो? और इस प्रोसेस में इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस अगर बट, सो, नाउ से स्टार्ट हो तो पहला सेंटेंस तो वो नहीं होगा।
ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? हाँ, अगर लिखा रहे नाउ ए डेज तो थोड़ा हमें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो हमारे पास तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। इसमें कुछ ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। जैसे अरुण वेटेड फॉर द बस, और कंपाउंड सेंटेंस क्या, अरुण वेटेड फॉर द बस बट द बस वॉज लेट। तो अब देख रहे हो बट का इस्तेमाल हो गया यहाँ पर। कॉम्प्लेक्स क्या है, अरुण रियलाइज दैट द बस वॉज लेट वाइल ही वेटेड एट द बस स्टॉप। वाइल ही वेटेड एट द बस स्टॉप अरुण रियलाइज दैट द बस वॉज लेट। तो तीन सेंटेंस तरीके से दिया सकता है, चीजें वही रहेंगी बट सेंटेंस को क्या किया जा सकता है, लंबा बनाया जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, अगर आपको ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करने को कहीं दिखा, हैंस फाइनली और देयर फोर, तो ये सेंटेंस लास्ट में आता है। जनरली कब आता है, लास्ट में आता है। कब आता है सेंटेंस के, कब हम यूज करते हैं, लास्ट में यूज करते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हैंस फाइनली, व्हाट फाइनली गाइस व्हाट यू हैव डिसाइडेड, तो बोलते हैं ना कि बहुत सारे बातें हुई, इतने खर्चे होंगे पिकनिक में, ये कौन लाएगा, वो कौन लाएगा, गाड़ी कौन होगा, कैमरा कौन लाएगा, ये। हाँ, तो फाइनली व्हाट यू हैव डिसाइडेड कि हम लोग को कब जाना है ना, बोलते हैं ना फाइनली। तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, एंडिंग वर्ड्स होते हैं ना। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं बताइए जरा, कि हैंस फाइनली देयर फोर, अगर ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो सेंटेंस क्या होगा, लास्ट होगा। एक बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जैसे हाउएवर वर्ड है, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कब होता है, फर्स्ट में तो कभी नहीं होगा, फर्स्ट सेंटेंस में कभी नहीं होता। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन की तरफ। यस और नो बोलो, ठीक है? अरे बोलो, यस और नो दिख रहा है क्वेश्चन सबको, बोलो। चलिए तो मुझे बताइए कि मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, आप लोग वैसे तो इसका आंसर दे सकते हो, तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं, लेकिन हम लोग कुछ टेक्निक से यूज करेंगे और क्वेश्चन को हम हार्डली 10 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड, कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड। चलो रेडी हैं आप लोग, यस और नो बोलिए। अरे बोलो बाबू, यस और नो, क्योंकि मैं कुछ एकदम दिव्य दृष्टि वाली चीजें बताने वाला हूँ। देखो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये बोल रहे हैं QSPR, SQPR, SPQR, QPSR, है ना, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो कहा जा रहा है कि इसमें इंस्ट्रक्शन ये है कि पहला सेंटेंस तो दिया हुआ है आपको, क्या दिया है, पहला सेंटेंस आपको दिया है ना, और उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, जिसको हम पी क्यू आर एस की तरह से हम लिख सकते हैं, उसको जम्बल्ड कर दिया गया है। हो सकता है एस पहले आ जाए, और छठा सेंटेंस क्या है, फिक्स्ड है, और पहला सेंटेंस भी क्या है, फिक्स्ड है। क्या ये बात समझ में आ रही है, यस और नो? पहला और छठा सेंटेंस क्या है, फिक्स्ड है, और बाकी इसके अंदर आपको जम्बल किया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही होगा, ठीक है? क्लियर है सबको, यस और नो? चलिए स्टार्ट करें, बोलो। कहा जा रहा है, इट इज ऑफन सेड दैट लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस इन द सेम प्लेस। कहा जाता है एक ही जगह पे जो बिजली कड़कती है ना, बराबर ना, तो एक ही जगह पे दो बार नहीं कड़कती, मतलब अगर एक जगह पे हुई तो दूसरे जगह पे बिजली कड़केगी, यानी एक जगह पे नहीं होती। आगे, गो आस्क द फॉरेस्ट रेंजर्स बट दिस इज नॉट ट्रू, दे विल ले टेल यू दैट दे दैट एवरी थंडर शावर ब्रिंग्स सेवरल बोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग टू देयर लुकआउट स्टेशंस, रेंजर्स स्पेंड देयर समर्स एज फायर फाइटर्स, सो लाइटनिंग डज नॉट स्ट्राइक ट्वाइस इन द सेम प्लेस। चलिए मुझे एक बात बताइए, छठा तो आपको कन्फर्म है, यही लाइन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, बोलो यस और नो? ठीक है, हाँ जी, क्लियर है कि नहीं, बोलो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सामने वाला अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो बोल रहे हैं कि पहला ऑप्शन क्यों होना चाहिए, पहला सेंटेंस क्यों होना चाहिए, तो देखते हैं क्या ये संभव है, पॉसिबल है। चलो हम देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि लाइटनिंग एक ही जगह पे दो बार नहीं हो सकती, तो हम चेक करते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। देखो, जब भी आपको पता है कि आई विल गिव यू मनी कॉमा बट यू हैव टू रिटर्न ऑन टाइम, होता है ना,
बट यू विल हैव टू रिटर्न ऑन टाइम। मुझे तो कंजंक्शन जब लगाते हैं बट, उससे पहले हम कॉमा लगाते हैं कि नहीं लगाते, पहले क्लियर करो यस और नो, बोलो मुझे बताओ। ये आप देख रहे हो गो क्या है, कैपिटल वर्ड है ना, गो क्या है हमारा कैपिटल है, यस और नो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गो आस्क द फॉरेस्ट रेंजर, तो हम एक बात सोच सकते हैं कि हाँ शायद यहाँ पे कंजंक्शन का इस्तेमाल हो। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। क्यू के बाद ये बोल रहे हैं एस लगाइए, एस का मतलब क्या है, रेंजर्स स्पेंड देयर समर्स एज फायर स्टार्टर्स। मुझे बताओ पहले नाउन का इंट्रोडक्शन होगा या पहले नाउन का यूज हो जाएगा, बताओ क्या रेंजर्स का इंट्रोडक्शन हुआ है, यस और नो, अरे बोलो ना, क्या रेंजर्स का इंट्रोडक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे पहले, तब ना रेंजर्स कुछ करेगा। तो यानी पहले नाउन आना चाहिए फिर नाउन का डिस्क्रिप्शन आना चाहिए। तो एक बात समझ में आया कि अगर यहां पर बट है, बट अगर क्यू पहले आता है तो उसके बाद क्या आना चाहिए, गो आस्क द फॉरेस्ट स्ट्रेंजर्स। अब दे दे वर्ड का भी यूज होगा पहले, बताओ होगा क्या, नहीं, क्योंकि रेंजर्स के लिए रेंजर्स अगर नाउन है तो दे क्या है, प्रोनाउन है, यस और नो। बट दे आज किसके लिए रहा है, रेंजर्स के लिए आ रहा है, यस और नो। तो पहले नाउन का क्या आना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो नाउन का इंट्रोडक्शन किस लाइन में किया गया है, ऑप्शन नंबर पी में किया गया है, यस और नो बोलो। तो हमने बट दिस इज नॉट ट्रू हमने लगा लिया, उसके बाद क्या, गो आस्क द फॉरेस्ट स्ट्रेंजर्स, ठीक है। उसके बाद अब हम गया, हम गए फॉरेस्ट स्ट्रेंजर से पूछने के लिए, या फिर जाओ फॉरेस्ट स्ट्रेंजर से जाके पूछ लो, सॉरी स्ट्रेंजर बोलो, फॉरेस्ट रेंजर से जाके पूछ लो। तो उसके बाद हमारा क्या आएगा, क्या आएगा, अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं, एक आर बच्चा है और एक एस बच्चा है, या तो इसका आंसर आर एस होगा या एस आर होगा, यस और नो बोलो, बोलो हाँ जी यस और नो। हालांकि आंसर तो हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है ना। अब रेंजर्स स्पेंड्स देयर समर एज फायर फाइटर्स, और फिर लिखा है दे विल टेल यू दैट एवरी थंडर सावर ब्रिंग सेवरल बोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग टू देयर वर्कआउट लुकआउट स्टेशन। तो आप बताओ क्या आएगा इसका आंसर, बोलो 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 बोलो, आर एस आएगा या एस आर आएगा, क्या आएगा। देखो कोई भी चीज कहने से पहले आप उसका रीजन तो बताना पड़ेगा ना, है ना, कि वो लोग बताएंगे लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ सम बेसिक वर्क दे हैव ऑलरेडी डन, यस और नो। तो रेंजर्स ने चूंकि फायर फाइटर्स की तरह काम किया है समर्स में या रहे हैं, इसलिए वो जो भी कहेंगे वो सच कहेंगे। इसका मतलब पहले क्या आएगा, एस आएगा, और फिर दे विल टेल यू दैट एवरी थंडरस्टॉर्म ब्रिंग सेवरल बोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग टू देयर लुकआउट स्टेशंस, ऐसा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्यू पी एस आर, समझ में आया, यस और नो बोलो, क्लियर है, हाँ जी ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कॉस्ट वेयर लो दैट ईयर, देयर वॉज अ गुड पर्सन फॉर ईच जॉब एंड द मार्केट रिमेंड फॉर्म, द आउटपुट वॉज ऑल्सो हाई, देयर वेयर नो लॉसेज फ्रॉम फायर ऑल्सो, थैंकफुली नो मार्केट फ्लक्चुएशन कॉस्ट हैवॉक, ऑल इन ऑल इट वॉज द बेस्ट ईयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट वेयर लो दैट ईयर, तो ये पहला सेंटेंस को हम चेंज तो कर नहीं सकते, यानी कोई साल में खर्चे क्या थे, कम थे। तो मुझे बताइए पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए, टेल मी बोलो, समझ में आया क्वेश्चन, मैं समझा देता हूँ पहले कि कॉस्ट ना कम था, कहा जा रहा था कि वहाँ जरूरी है किस चीज़ की, देर वॉज ए गुड पर्सन फॉर इच जॉब, उस जगह पर जो कंपनी है फर्म है उस जगह पे हर काम के लिए अच्छे लोग थे, और मार्केट क्या था, फिक्स था, फॉर्म था, अच्छा चल रहा था, रिमेंड फॉर्म मतलब ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, जैसा था बढ़िया चल रहा था। द आउटपुट वॉज ऑल्सो वेरी हाई, यानी आउटपुट भी बहुत अच्छा था, देर वेयर नो लॉसेस फ्रॉम फायर ऑल्सो, कोई आग नहीं लगी, सब कुछ अच्छा था, है ना। फर्म मतलब समझते हो ना, कंपनी का फॉर्म बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी हम फॉर्म बोलते हैं। थैंकफुली नो मार्केट फ्लक्चुएशंस कॉस्ट हैवॉक, और मार्केट में भी कोई फ्लक्चुएशंस नहीं था जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ,
ठीक है, ऑल इन ऑल इट वॉज द बेस्ट ईयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। ओवरऑल बात करें तो पूरे कंपनी का बेस्ट ईयर्स माना जाता है, ठीक है, कंपनी का। चलो नेक्स्ट। हाँ भाई बताओ, पहला सेंटेंस कौन सा होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्यू बिल्कुल सही कहा आपने, क्यू इज बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। द कॉस्ट वेयर लो दैट ईयर, आउटपुट वाज ऑल्सो वेरी हाई। तो जो कुछ भी डिपेंड करेगा हमारे प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही। तो क्यू से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस कितना, एक ही है, यस और नो? स्टार्ट होने वाला एक ही सेंटेंस है ना, तो यही इसका आंसर हो गया। 2 सेकंड में आंसर आ गया, ठीक है। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लो। क्यू के बाद क्या आएगा, देयर वॉज ए गुड पर्सन फॉर ईच जॉब एंड द मार्केट रिमेंड फर्म, ठीक है। फिर क्या है, थैंकफुली, अब देखो कहा था ना कि जब मैंने आपको रूल बताया था, देखिए, इफ ए पर्टिकुलर वर्ड इज रिपीटेड इन मोर देन वन सेंटेंस, देन द सेंटेंसेस कैन बी प्लेस्ड वन बाय वन इन द पैराग्राफ। तो अगर कोई वर्ड रिपीट हुआ है तो एक एक करके उस दोनों को साथ में रखिए, यस और नो? जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी का नाम है समीर मल्होत्रा, है ना, समीर मल्होत्रा, ठीक है, और मल्होत्रा, और दूसरा क्या है, राज मल्होत्रा, ठीक है। अब हो सकता है ये सेम फैमिली मेंबर हो, अब बाद में पता चलता है कि कुछ और मल्होत्रा लोग आए हैं, जैसे रानी मल्होत्रा। तो मुझे बताओ, रानी मल्होत्रा आएगी तो राजू सिंह से मिलने जाएगी कि मल्होत्रा से ही मिलने जाएंगे, बोलो? मल्होत्रा फैमिली किससे मिलेगी, मल्होत्रा से मिलेगी, यस और नो? थोड़ा सा आप समझो, थोड़े घर की बात आती है। जब आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो आप इंडियन के साथ ज़्यादा लगाव रखेंगे या फॉरेनर के साथ ज़्यादा लगाव रखेंगे? अगर आप इंडियन के साथ रखेंगे तो चलिए मुद्दे की बात अपन करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा फील कराने के लिए सेंटेंस बोला था, और कोई बात नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है मार्केट, क्या लिखा है, मार्केट लिखा हुआ है, और कहाँ लिखा है मार्केट का इस्तेमाल कहाँ हुआ, यहाँ यूज हुआ, यस और नो? यानी एक बात पक्का है जी, कि एस और पी, या तो पी पहले आएगा या एस बाद में आएगा, या तो एस पहले आएगा या पी बाद में आएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है, वन आफ्टर अदर। अब इसमें थोड़ा डिसाइड करना है कि किसको पहले रखना है, यस और नो? बात क्लियर है? अब मुझे बताओ, जब हम थैंकफुली बोल दिए, इसका मतलब वजह तो हम पहले बताए होंगे, यस और नो, है ना? तो एक बात क्लियर हो गया कि मुझे बताओ जरा, आउटपुट आपने बता दी, तो आउटपुट आपने बता दिया, और फिर उसके बाद पी जो रीजन है, फिर उसके बाद क्या, मार्केट के बाद फिर से अगला वर्ड है मार्केट, तो मार्केट के बाद दूसरा मार्केट का लाइन चिपका दो, क्या, एस, ठीक है ना? मैंने रूल बताया था, क्लियर है कि नहीं आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना? कि हमने ये दोनों लाइन को साथ में क्यों लिया, सर हमें पता नहीं चलता है कि कैसे करें, थैंकफुली वाला पहले रखें या ऊपर वाला रखें। तो आपको एक बात समझना है कि कुछ और रखो या ना रखो, लेकिन एक बात कन्फर्म है, मार्केट मार्केट वाले वर्ड साथ में रहेंगे, ये बात आपको समझना पड़ेगा कि रिपीटेड वर्ड हमेशा साथ में रहते हैं, ठीक है। तो एस लगा दिया, और फिर लास्ट में क्या है, देयर वॉज नो लॉसेस फ्रॉम द फायर ऑल्सो, ठीक है, कोई लॉसेस नहीं हुए, तो ओवरऑल कंपनी का क्या हुआ, ग्रोथ हो गया, और बेस्ट ईयर्स हिस्ट्री में मारा गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, QPSR, ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक श्योर योर ग्लासेस फिट वेल, ठीक है, टेक योर ग्लासेस फॉर एडजस्टमेंट टू द प्लेस यू बॉट देम, कीप योर ग्लासेस इन ए केस व्हेन यू आर नॉट वियरिंग देम, द ईयर पीसेस शुड बी एट आई लेवल एंड डोंट ट्राई टू एडजस्ट द ईयर पीसेस योर सेल्फ, दिस विल प्रिवेंट स्क्रैचेस, कीप द ग्लासेस क्लीन एंड ए सॉफ्ट क्लॉथ इज बेस्ट फॉर क्लीनिंग, बोलो बताइए किस चीज के बारे में बात हो रही है, बोलो किसके बारे में बात हो रही है, बट कौन सा ग्लासेस कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है? कौन सा ग्लासेस, आई ग्लासेस,
ईयर में कौन सा ग्रह? अच्छा आई का है, ठीक है भाई। आई का ग्लासेस जानते हो ना आप? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बताओ पहले, अब देखो इसमें आपने जो कुछ भी सोचा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहला वर्ड क्या दिया हमारे पास, मेक श्योर योर ग्लासेस फिट्स, यानी एक बात तो समझ में आया कि अगला वर्ड जो भी होगा उसमें ग्लासेस वर्ड तो होना चाहिए, ये बात हम सोच सकते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन उसे मिलता जुलता सेंटेंस भी हम साथ में चल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो मेक श्योर योर ग्लासेस फिट विल, तो अगला वर्ड क्या आ रहा है, फिट आ रहा है। अब फिट फिट के लिए हमारा मिलता जुलता सेंटेंस हमें ढूंढना है, तो कौन सा सेंटेंस दिख रहा है आपको, टेक योर ग्लासेस फॉर एडजस्टमेंट टू बी टू द प्लेस यू बॉट देम, ठीक है। कीप योर ग्लासेस इन ए केस वेयर वेन यू आर नॉट वेयरिंग देम, तो जब ग्लासेस तुम नहीं पहन रहे हो तो उसको एक केस में रख दो। ग्लासेस मतलब समझ रहे हो ना, आँख पे जो पहनते हो आप, सन ग्लासेस नहीं, गॉगल्स जिसको बोलते हो आप, पावर वाला या विदाउट पावर वाला, वो वाला देख लेना तुम लोग, ठीक है। तो ईयर पीसेस शुड बी एट आई लेवल, है ना, एंड डोंट ट्राई टू एडजस्ट द ईयर पीसेज योर सेल्फ, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि पहला सेंटेंस कौन सा होगा, दिस विल प्रिवेंट स्क्रैचेस। तो देखो ये एस आएगा पहला सेंटेंस का भी, क्या क्या ये पहला सेंटेंस एस का भी हो सकता है, मैंने बोल। तो आप मुझे बताओ, एक सेकेंड, एस जब आएगा या नहीं तो ऑप्शन डी कट गया, बोलो यस और नो। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो समझदारी से काम करना चाहिए, यस और नो। अब आते हैं, ये बोल रहा है कि पहला सेंटेंस पी होना चाहिए, टेक योर ग्लासेस फॉर एडजस्टमेंट्स टू द प्लेस यू अबाउट देम, ठीक है। और बोल रहे हैं आर होना चाहिए, तो द एयर पीसेस शुड बी एट आई लेवल। देखो फिट करने के लिए तो किसी चीज़ का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, यस और नो, यानी कहीं ना कहीं आर आर के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, शायद बढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या है हमारा, पी, पी से तो अगर हम देखेंगे कि हाँ एडजस्टमेंट टू द प्लेस यू अबाउट फ्रॉम, नेक्स्ट क्या है, क्यू, कीप योर ग्लासेस इन ए केस यू, देखो ये तो तब होगा जब हम सारा काम खत्म कर चुके होंगे, एडजस्टमेंट वगैरह सब हो चुका होगा, यस और नो, बोलो भाई। ग्लासेस का यूज करने के बाद हम ना केस में रखेंगे जी, या पहले ही रख देंगे, बताओ, पहले यूज करेंगे ना, तो इसका मतलब क्यू से भी सेंटेंस तो सही स्टार्ट नहीं हो सकता है, कॉमन सेंस भी लगाना है, ठीक है ना। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचता है, पी आर क्यू एस और आर पी क्यू एस, ठीक है ना, यस और नो। पी से स्टार्ट कर, टेक योर ग्लासेस फॉर एडजस्टमेंट टू द प्लेस यू बॉट देम, ठीक है। और फिर दिया है ईयर पीसेस, तो आर के साथ या पी के साथ है, ठीक है। पी के बाद हमारा बोला था आर, द ईयर पीसेस शुड बी एट आई लेवल एंड डोंट ट्राई टू एडजस्ट द पीसेस योरसेल्फ, और यहां पर क्या दे रहा है कि पी पर बाद में आना चाहिए, टेक योर ग्लासेस फॉर एडजस्टमेंट टू द प्लेस यू बॉट देम। मुझे बताओ कि पहले मैं एडजस्ट करूंगा या फिर हम उस जगह पर लेके जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू एडजस्ट, पहले एडजस्ट करेंगे, यानी आर के साथ हम पहला सेंटेंस जाएंगे और आर के साथ ये सेंटेंस पहला हो रहा है, यस और नो। फिर क्यू चेक कर लो आप, कीप योर ग्लासेस इन केस यू आर नॉट, ठीक है। एस लास्ट में, दिस विल प्रिवेंट स्क्रैचेस, नेचुरल सी बात है। आप देखो केस में रखना और स्क्रैचेस ना होना, ये दोनों का क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, यस और नो, पहले ये बताओ, बोलो। अगर हम केस में ग्लास को रख दें तो स्क्रैच नहीं होगा, हाँ जी, तो इसका मतलब कि केस में सेंटेंस वर्ड को रखना, उसका अगला सेंटेंस स्क्रैच वाला आना चाहिए, यस और नो, कॉमन सेंस लगाओ ना भाई, कॉमन सेंस लगा लो, यस ना। तो यानी पहले केस वाला सेंटेंस कौन सा है, तो आप बोलोगे सर क्यू है, और फिर स्क्रैच, अरे केस नहीं देखे हो क्या, अरे यार तुम चश्मा पहने ही नहीं हो क्या, अरे हाँ वही, उसी को तो केस बोलते हैं, और केस को बोलते हैं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो कॉन्सेप्ट या कॉमन सेंस भी तुम लगाते हैं ना, तो क्वेश्चन सही कर देते। पूछो कैसे, कि स्क्रैच नहीं होगा क्या करने से, बक्सा डब्बा में रखने से, तो ये डब्बा में आ गया अब स्क्रैच नहीं लगेगा, तो एक बात है कि केस लिखा होगा उसके बाद अगला सेंटेंस आएगा,
तो केस वाला वर्ड कौन सा है? क्यू है, सॉरी, हाँ केस क्यू है, और फिर स्क्रैच नहीं लगेगा, यानी एक बात तो कंफर्म है ना, क्यू के बाद ऐसे ही आना चाहिए, यस और नो? वो एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये दोनों में है, क्यू के बाद ऐसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट फर्क सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पहले हम क्या करेंगे, ईयर प्लेस को आई लेवल पे एडजस्ट करेंगे, ताकि वो क्या हो जाए, अपने आप से नहीं करेंगे, जिस तरह से जो डॉक्टर करते हैं रिकमेंड, उसके हिसाब से ईयर पीसेस क्या होंगे, एडजस्ट करेंगे आई लेवल पे, ठीक है? कुछ लोग देखते हो जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आँख के नीचे आ जाता है ना, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जो ओल्ड पर्सन, बूढ़े लोग होते हैं, चश्मा नाक के पास आ जाता है, बताओ तो इसका मतलब क्या है? आँख स्टाइल है, देखो ये स्टाइल बुढ़ापा में नहीं होता है, 70-75 साल के बाद, ठीक है ना? लेकिन ठीक है, टेक्निकली वो आँख पर आना चाहिए ना, है कि नहीं? तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, तो समझ में आया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो? चलिए आगे बात करते हैं इंग्लिश ना। चलो, हालांकि इसकी जरूरत है नहीं। नेक्स्ट, देर इज अ कॉमन बिलीफ दैट वाइल द डॉग इज मैंस बेस्ट फ्रेंड, द कोयोट इज इज वर्स्ट एनिमी। कोयोट जानते हो आप? डू यू नो व्हाट इज कोयोट? हाँ भाई, पता नहीं? हाँ भाई पता है, ये सो नो, ये लो, अब तो मानोगे, लोमड़ी, लोमड़ी का जाति का होता है ये तो खा जाएगा ना जी आदमी को, जंगली है ये, जबकि दिखता तो डॉग के तरह ही है, डॉग डॉग के पास जैसा दांत होता है वैसा ही दांत इसको भी होता है, बट डॉग कभी काटता है क्या, बुरी तरह से घायल कर देता है क्या? नहीं ना, है ना? ये लो, ठीक है, अब तो फील आ गया होगा, दो चालों को घायल तुम देख चुके हो, ठीक है ना? एनीवेज, चलो मुद्दे पे आते हैं। चलिए, तो कोयोट जो है दुश्मन है इंसान का, जबकि डॉग दोस्त है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोवाइडेड वेलेबल फॉर्म एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, द कोयट विल ऑफन फ्री द प्रॉपर्टी ऑफ अदर एनिमल्स लाइक रेबिट्स विच आर रूइनस टू क्रॉप्स एंड अदर ट्रीज, ठीक है? अब देखो, जो फार्म एनिमल्स हैं उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, है ना? फार्मिंग में कौन कौन सा काम आता है भाई, बोलो? ऑक्स हो गया, बफेलो हो गया, है ना, वो सब एनिमल को हम प्रोटेक्ट करते हैं, यस और नो? हाँ जी करते हैं ना, काओ इस सबको हम प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि कोयोट को हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन एक बात और समझनी होगी कि प्रॉपर्टी नुकसान करने वाला ही है, हालांकि कुछ प्रॉपर्टी ऐसे भी हैं, जैसे रैबिट की अगर हम बात करें, रैबिट को तो वैसे लोग पालते हैं, लेकिन अगर वो खेत में चला जाए ना, तो क्या कर देगा, वो खेत को खराब कर देगा, समझ में आ रहा है? और कुछ जो इम्पोर्टेंट ट्री है, अच्छा आप लोग, आई डोंट नो कि पता नहीं, रैबिट अगर आपने पाला हो, तो अगर रैबिट को आपने पाला और घर में तुलसी का पत्ता लगा दिया है तुमने, तुलसी का पेड़, और रैबिट खा लेगा तो थप्पड़ नहीं मारोगे तुम उसको? बताओ, उसको क्या पता था कि ये तो पूजा पाठ वाला आइटम है जी? बोलो, यस और नो? हाँ जी, नहीं बोलोगे? अब तुम दुकान से खरीद के लाए धनिया पत्ता की भाजी बनाएंगे, तुम्हारा घर का रैबिट खा गया, अभी क्या करोगे, थप्पड़ नहीं मारोगे उसको, है कि नहीं? नहीं, मार नहीं सकते, वो अलग बात है, बट बुरा तो लगेगा ना कि यार तुम्हारे लिए अलग आइटम था, तुम ये क्यों खा लिए, ये तो वीआईपी ट्रीटमेंट हो गया, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि डॉग हमें किसी न किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाता है, मतलब बेस्ट फ्रेंड की तरह, बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी नुकसान पहुंचा सकती है, जिसमें कि ज़्यादा नुकसान तो हमें कौन करता है, कोयोट करता है, ठीक है? इसमें देखेंगे तो हमारे पास डॉग क्या निकला, एक नाउन निकल कर आया, है ना? मैन भी तो नाउन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
कोयोट भी हमारे पास नाउन निकला है, यदि ये वर्ड्स हो सकता है अगर कहीं रिपीट हो तो उसके साथ हम आगे चल सकते हैं। ठीक, हम देख भी रहे हैं कि हमें मिल भी रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या मैच करता है। इट हर्ट्स एट नाइट, इट हर्ट्स एट नाइट एंड इज पार्टिकुलरली डिस्ट्रक्टिव टू सीप, यंग पिग्स एंड पोल्ट्री। पोल्ट्री फार्म में जो आपका क्या बोलते हैं, कॉक हेन होता है ना, तो वो सबको क्या करता है, खा जाता है ये। कौन? कोयोट। कोयोट से स्टार्ट हुआ है ना, तो इट किसके लिए आएगा? अब ही के लिए तो आएगा नहीं, ही सी तो है नहीं, जानवर के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। यस और नो बोलो, ठीक है ना, तो ये बात तो समझ में आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो बता दिया प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, किस तरह से यूज हो रहा है, प्रोनाउन की तरह। लेकिन आप देखो यहाँ पे कोयोट वर्ड यूज हुआ है, फिर से अगला क्या दे रहा है, द बैड रेपुटेशन ऑफ द कोयोट ट्रेसेस बैक टू हिज फॉन्डनेस फॉर स्मॉल एनिमल्स। लेकिन उसको चिकन पसंद नहीं है, कोयोट को चिकन पसंद नहीं है, उसको क्या पसंद है, छोटे जानवर। जैसे जैसे कोयोट जो है, जैसे कि आपने देखा लोमड़ी प्रजाति का जानवर है, वो किस चीज को ढूंढता है, बिल्ली को, खरगोश को, ये सब लोगों को ढूंढता रहता है, जो छोटे जानवर जिसको वो शिकार कर सके। अब इसका मतलब ये नहीं कि हाथी के साथ 20-20 मैच खेलने लगेगा वो, नहीं तो जन्नत दिखा देगा हाथी उसको। ठीक है ना, और शेर के साथ तो बिल्कुल ही हाय हेलो भी नहीं कर सकता कोयोट तो, है ना। लेकिन उसकी कोशिश क्या रहती है, कोयोट। तो जरा आप मुझे बताइए कि आपने देखा यहाँ पे कोयोट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ भी क्या यूज हुआ है, कोयोट, यानी नाउन के बाद फिर से नाउन। यस और नो, क्या इट का इस्तेमाल हम पहले करेंगे कि नाउन, नाउन का जब तक काम खत्म नहीं हो तब तक हम इट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बोलो बोलो, यस और नो बोलो, क्लियर है कि नहीं। तो पहले किसकी बात करेंगे, देखो आप यहाँ पे कोयोट नाउन है तो फिर से सेम नाउन रिपीट हो गया, यानी क्या हो गया, कीवर्ड रिपीट हो गया, या वर्ड रिपीट हो गया, या नाउन रिपीट हो गया, सब्जेक्ट रिपीट हो गया, पूरा नाउन है। पहले पूरा नाउन खत्म करेंगे तब ना प्रोनाउन आएगा जी, बोलो यस और नो, अरे बोलो ना, ठीक है। लेकिन आपके मन में ये चल तो जरूर रहा होगा, सर हम ये वाला लाइन क्यों नहीं लिए, इट हंट्स क्यों नहीं लिए, आपके मन में चल रहा होगा। लेकिन बात यह है कि जब तक नाउन जिंदा है, दोस्ती नाउन की नाउन के साथ होगी, बाद में हम प्रोनाउन की बात करते हैं, ठीक है। तो द बैड रेपुटेशन ऑफ द, ये बात हो सकती है और बिल्कुल होगी 100%, ट्रेसेस बैक टू द फॉन्डनेस फॉर स्मॉल एनिमल्स, ठीक। येट इट इज समटाइम्स वाइज टू इनकरेज कोयोट्स, ठीक है, और कभी कभी फिर भी जरूरी होता है कि कोयोट्स को हम पालें, या फिर हम कह सकते हैं इंकरेज करें, बचाएं ऐसे प्रजाति को, मतलब हम मारे नहीं। अब देखो शेर हमारा दुश्मन है तो क्या हम शेर को मारते हैं, बताओ, अरे बोलो मारते हैं क्या, अरे बोलो क्यों नहीं मारते हैं, जरा बताइए। क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर हम शेर को छोड़ते हैं तो वहां के लोग पेड़ नहीं काटेंगे, क्यों, सबको डर रहेगा भाई कि भाई कहीं शेर खा गया, तो चोरी भी नहीं कर सकता कोई पेड़ काटने का, अगर कोई पेड़ नहीं काटेगा तो हमारा पर्यावरण मेंटेन रहेगा, और नहीं तो लोग क्या करेंगे, पेड़ काट देंगे, लकड़ी चुरा करके बेचने लगेंगे, और फर्नीचर बना के आपके घर का डाइनिंग टेबल बन जाएगा। लेकिन सबको पता है भैया ये जानवरों का इलाका है, इधर जाने का नहीं। तो उसी तरह से जिस तरह हम शेर को नहीं मारते, तो उसी तरह से हमें किसको नहीं मारना चाहिए, कोयोट्स को, क्योंकि कोयोट्स भी क्या है, इंसान का दुश्मन है, और लोगों को ये पता चल जाए कि अगर ये दुश्मन है इंसान का, और कोई आदमी लकड़ी चोरी करने की कोशिश करेगा या फिर नुकसान पहुंचाना चाहेगा पर्यावरण को, तो लोगों को डर तो रहेगा ना भाई, यहाँ तो जंगली क्या है, लोमड़ी है, हालांकि लोमड़ी को वो बोलते हैं, उसे कोयोट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, सियार बोलते हैं क्या, नहीं, कोयोट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है तुमको, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आप लोग बताइए, पढ़िए और बताइए मुझे इसका आंसर क्या आएगा। इन अर्लियर डेज दोज हु हैड ओवरसीज बिजनेस विच दे बिलीव्ड शुड बी डिस्कस्ड
पर्सनली टुक शिप एंड सेट आउट अक्रॉस द सी. वंस अब्रॉड दे ट्रांजेक्टेड देयर अफेयर्स इंगेजिंग इन कॉमर्शियल एंड सोशल मैटर्स और कंडक्टिंग गवर्नमेंट बिजनेस एंड एयरप्लेन्स सोर ओवर इट. बट एबव देम ऑल वर्ड्स स्पीड थ्रू द स्काई. Telephone conversations quickly bring together in the most personal fashion people who are separated by thousands of miles. Today, ships and passengers continue to sail the seven seas. So, distance is not a factor now. बताओ. अच्छा एक बात बताओ, इसका समझ में आया मीनिंग क्या हुआ भाई? ओवरऑल तुम लोग को थोड़ा थोड़ा भी आइडिया लगा कि नहीं लगा, बोलो. क्या हवाई जहाज से सारी चीजें ले जाना आसान है? क्या ये संभव है? बताओ. हर चीज़ तो संभव नहीं है ना हवाई जहाज से. तो कहीं ना कहीं अगर हमें पूरे दुनिया, आपको पता है कि इंडिया भी क्या है, इंडियन ओशन आइलैंड है. यस और नो? आइलैंड है ना भाई, यस और नो? तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप से दो तरीके से जा सकते हो आप. कैसे कैसे जा सकते हो बताओ जरा. क्या इस दुनिया में कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे हम पानी के थ्रू नहीं जा सकते? हाँ कुछ कंट्रीज हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, जहाँ पे आपको फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा. लेकिन कुछ कंट्रीज, लगभग 60-70% कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे हम पानी के थ्रू जा सकते हैं. यस और नो? बड़े शिप्स के थ्रू, कार्गोज बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं. हमारी ट्रेडिंग भी ऐसे ही होती है. यस और नो? हर चीज़ हवाई जहाज से थोड़ी ना भेजेंगे, क्लियर है ना? तो आई होप सब लोगों को मालूम होगा, ठीक है ना? तो और हमें प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, जिसमें इंडियन नेवी वाले लोग बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब किसी को पता चले कि गोल्ड जा रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो क्या दूसरे लोगों को, कंट्री के वालों को पता होगा तो हमारे शिप पे अटैक नहीं कर देंगे? अब गोल्ड हो या कोई भी चीज़ हो, प्रीशियस चीज़ें हो, अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो. यस और नो? बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट इंपॉर्टेंट ये है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री हम शिप के थ्रू ले जा सकते हैं. यस और नो? क्लियर है ना सबको? चाहे कितनी भी कितनी चीजें आ सकती है. जैसे मैं आपको दिखाता हूं, चलिए, मैं अला इरादा नहीं था मेरा कुछ खास दिखाने का, बट मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये देख रहे हो सिर्फ सब लोग, मुझे बताओ इतनी चीजें हवाई जहाज पे ले जाना संभव है क्या? अच्छा अभी आप लोगों को केबीसी में एक क्वेश्चन पूछा था, स्विज कैनाल किसको किसको कनेक्ट करता है? इजिप्ट में है और मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है. ये अभी कल का केबीसी था, मतलब टुच्चा टुच्चा क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग. बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग. मेरा लक लगे तो डेढ़, मतलब शायद 1 करोड़ तक मैं लेके आऊँ, 50 लाख तो ले ही आऊँगा, कम से कम 25 लाख तो आता ही नहीं है लक, ठीक है, दैट्स ओके. ऑलराइट, तो स्विच कैनल आप देख रहे हो, इतनी सारी चीजें हवाई जहाज में तो नहीं रखी जा सकती, समझ रहे हो ना बात को आप? हाँ जी. लेकिन एक कंट्री से, अब इतनी सारी चीजें तो आपको क्या लग रहा है एक ही कंट्री का प्रोडक्ट है इसमें? नहीं, बहुत सारे कंट्री का पोर्ट होता है. जैसे आपका JNPT है, जवाहरलाल नेहरू मुंबई का पोर्ट है, मुंबई में का माल उतरा फिर दूसरे कंट्री में गए, हैं समझ रहे हो बात को? गुजरात के पोर्ट में आ गया, कांडला पोर्ट बोलते हैं उसको. तो सामान उतरा और फिर उसके बाद इन साइड से इंडिया टू इंडिया, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो एक पोर्ट पे उतरता है और चीज़ें जाती हैं, ठीक है? इस टाइप से हम कंट्री को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं ना, कंट्री में प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना? तो ये बात मैंने आपको स्टोरी क्यों बताया जरा बताइए मुझे, ताकि आप स्टोरी को समझ पाएं कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है, ठीक है? चलो क्लियर है, बताइए यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या होगा? देखो, तो देखिए, इन अर्लियर डेज दोज हु हैड ओवरसीज बिजनेस, ओवरसीज मतलब एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जब बिजनेस होता था, तो वो विश्वास करते थे या पर्सनली बात करते थे कि कोई भी चीज को ले जाना हो तो उसके लिए वो क्या लेके जाते थे, क्या लेके जाते थे बताओ? सिप लेके जाते थे. क्या लेके जाते थे? सिप. और पूरे समंदर के थ्रू अपना बिजनेस करते थे, अपना सामान एक दूसरे जगह पर लेके जाते, अर्लियर डेज, पहले की बात होती थी, ठीक. अब देखते हैं, वंस अब्रॉड दे ट्रांजेक्टेड देयर अफेयर्स इंगेज इन कमर्शियल एंड सोशल मैटर्स और कंडक्टिंग गवर्नमेंट बिजनेसेस. अब एक होता था कि जो
बिजनेस की बात हो रही थी, बट अब कमर्शियल और सोशल दोनों मैटर होते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब कोई सोशल मैटर हो उस पर मीटिंग करने आएंगे तो उसके लिए जहाज की जरूरत थोड़ी है, बोलो, उसके लिए तो फ्लाइट से आएंगे लोग, यस और नो? हाँ जी, यस और नो, ठीक है। आगे, एंड एयरप्लेन्स सोर ओवरहेड, इसके लिए क्या है जरूरत पड़ेगी? एरोप्लेन्स की, ठीक है। बट एवव देम ऑल वर्ड्स स्पीड थ्रू द स्काई, टेलीफोन कन्वर्सेशंस क्विकली ब्रिंग टुगेदर इन द मोस्ट पर्सनल फैशन पीपल हु आर सेपरेटेड बाय थाउजेंड ऑफ माइल्स। अच्छा मुझे बताओ, अगर आप अभी फोन से बात कर रहे हो, क्या ये मैजिक नहीं है कि आप हजारों किलोमीटर दूर लोगों से बात कर लेते हो? तो मुझे बताइए, आपके जो वर्ड है जो आप मुझसे बोलते हैं वो हवा में उड़ रहा है? ये हुआ ना भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज हवा में पहुंच रही है या कि तार के थ्रू पहुंच रही है? क्लियर करो, पहले क्लियर करो। मैं तो अभी मैं हेडफोन लगा के आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी हवा में जा रही है ना आवाज? बताओ, जा रही है ना हवा में आवाज? टेलीफोन तो है नहीं, टेलीफोन से तो मैं आपको कॉल किया नहीं हूं, बात तो हवा में जा रही है। तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस क्विकली ब्रिंग टुगेदर द मोस्ट पर्सनल फैशन पीपल हु आर सेपरेटेड बाय थाउजेंड ऑफ माइल्स। तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन मतलब जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे एयर के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारे वर्ड्स का, ठीक है। टूडे शिप्स एंड पैसेंजर्स कंटिन्यू टू सेल द सेवन सीज, आज भी जो जहाज हैं और पैसेंजर जो हैं हवाई मतलब सॉरी जहाज का इस्तेमाल करते हैं पैसेंजर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, है ना, जाने के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए डिस्टेंस कोई बड़ी फैक्टर नहीं है। तो फ्लाइट की बात तो हो चुकी है, इसमें एरोप्लेन्स की बात कर चुके हैं। ओवरहेड का मतलब प्रायोरिटी, अगर हम जल्दी टाइम में पहुंचना पाएं चाहना चाहें तो हम एरोप्लेन का यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास सफिशियंट टाइम है तो हमारे लिए शिप इज ऑल्सो ए बेटर ऑप्शन, ठीक है। चलिए पहला सेंटेंस की हम बात करते हैं, फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, बताओ, बोलो। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर बिजनेस एक नाउन है, यस और नो? यहां पर नाउन कौन सा है बताओ जल्दी से, बोलो नाउन कौन सा है? बिजनेस है, यस और नो? बिलीव है ना, दोज वर्ड ओवरसीज बिजनेस विच हैव बिलीव विच दे बिलीव शुड बी, अब दे लिखा है तो दे किसको डिनोट कर रहा है? बिजनेसमैन को, सुनो बोलो, ठीक है। और फिर से दूसरा नाउन क्या है? सिप है, एंड सेट आउट अक्रॉस द सी। तो ऐसे कीवर्ड्स आए अगर रिपीट हो तो हम उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, यस और नो? क्लियर है कि नहीं, बोलो। तो पहला पहला एंड से स्टार्ट होने वाला कंस होगा एंड, क्योंकि जब फुल स्टॉप आ गया तो फुल स्टॉप के बाद कभी एंड आता है बताओ? यानी ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया, बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो, यस और नो, ठीक है ना। अब हमारे पास बोल रहा है बट एवव देम ऑल वर्ड्स स्पीड, मुझे बताओ यहाँ पे वर्ड्स का इस्तेमाल कहीं यूज किया है? बिजनेस है, दे है, सिप है, सी है, यहाँ पे वर्ड्स का इस्तेमाल है ऐसा? ये जो वर्ड है ना, वर्ड वर्ड्स, क्या वर्ड कहीं लिखा हुआ है इसमें ऊपर में पहले सेंटेंस में कहीं पे? नहीं लिखा हुआ है ना, और कन्वर्सेशन वर्ड भी नहीं है, ठीक है। यानी एक बात क्लियर हो गया कि ना वर्ड्स है ना, मतलब कनेक्टिंग वर्ड हमें मिल नहीं रहा है, ठीक है। और हमें कहा गया बट एवव देम ऑल, तो मुझे फैक्टर्स तो बताया ही नहीं इन्होंने, पहले इनको फैक्टर्स बताने पड़ेंगे किस लिए, कारण बोलते ना, लेकिन, तो लेकिन से पहले रीजन बताना पड़ेगा, तो वो हमें दिख ही नहीं रहा है। तो बट से इस्तेमाल, मैंने आपको पैसे बोला था बट से सेंटेंस स्टार्ट हम नहीं कर सकते, मैंने आपको बोला था या नहीं बोला था, बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, यानी आर सेंटेंस भी मेरा गलत हो गया। चलिए अब मेरे पास बचता है एस, एस से चेक कर। टूडे शिप्स एंड पैसेंजर्स कंटिन्यू टू सेल टू द सेवन, लेकिन टूडे बोल रहा है, ये तो आपको कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि सारी बातें हो गई और आज की बातें कर रहे हैं? बोलो, यस और नो? चलो कोई बात नहीं, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं लेना। आप मुझे बताओ, अगर टुडे शिप्स एंड पैसेंजर्स कंटिन्यू टू सेल द सेवन,
सीज, लेकिन ये आंसर हो सकता था। क्यों हो सकता था? क्योंकि यहाँ पे सिप का वर्ड का इस्तेमाल हो चुका है। यस और नो बोलो। हाँ जी, यस और नो। हाँ भाई, यस और नो। लेकिन पैसेंजर्स की बात हुई है क्या? टेल मी, पैसेंजर्स की बात की गई है क्या? सिप्स की बात है लेकिन पैसेंजर्स की बात की गई है क्या? नहीं की गई है। सिप्स हो सकता था बट पैसेंजर्स की बात तो नहीं हुई। तो चलिए, हमारे पास अभी भी थोड़ा डाउटफुल केस है। या तो इसका आंसर पहला क्या आएगा, अगर हम मान के चलते हैं कि एस आता तो एस होता, और अब मेरे पास ऑप्शन ही दूसरा आखिरी बचता है पी। तो चलिए देखते हैं कौन सा सेंटेंस ज्यादा सेटिस्फैक्टरी है। वंस अब्रॉड दे ट्रांजेक्टेड देयर अफेयर्स, इंगेजिंग इन कमर्शियल एंड सोशल मैटर्स, कंडक्टिंग गवर्नमेंट बिजनेस। तो देखो, यहाँ पे बिजनेस है और यहाँ भी बिजनेस, मैचिंग मैचिंग हो गया ना। तो इसका मतलब हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? पहला कौन सा होगा बोलो? पी होगा। अगर पी हो गया तो हमारा काम आगे चल सकते, फिर हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं सर। पी के बाद क्या बोला है इन्होंने, ये आंसर आ रहा है, एस बोल रहे हैं तो एस चेक करते हैं। टुडे सिप्स एंड पैसेंजर्स कंटिन्यू टू सेल द सेवन सीज। ठीक है, सिप्स का इंट्रोडक्शन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, एंड एरोप्लेन सोर ओवर रोड। ठीक है, एरोप्लेन के बाद में कर दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। एंड अब कनेक्टिंग है, ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, पी एस फिर क्यू। ठीक है, फिर लास्ट में क्या, बट अबव देम ऑल। ऑल का मतलब क्या, और सारे सेंटेंस का बात करने के बाद। यस और नो भाई, ये सेंटेंस तुम्हारा आर लास्ट में होना चाहिए था। ये बात तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या? पहले ये क्लियर करो मुझे, क्या ये बात समझ में आ रहा है? एवव देम ऑल यानी फाइनली, ऐसा लग रहा है कि लास्ट कंक्लूडिंग सेंटेंस है। ठीक है ना, अब देख लो कि एवव देम ऑल के बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या यूज किया, सो डिस्टेंस इज नॉट ए फैक्टर नाउ। ठीक है, तो अगला क्या हो गया मेरा, आर आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पी एस क्यू आर। ठीक है, सबको क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, क्लियर है। चलो, ये इजी क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं एंड देन विल क्लोज फॉर द डे। और इसके अंदर जितने क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करना है। ये आसान लग रहा है, जल्दी से बताओ। वी शुड ट्राई टू यूज द कार एज लिटिल एज पॉसिबल, द एक्सरसाइज विल श्योरली बी गुड फॉर अस, इट्स गुड फॉर द मसल्स। वी शुड गो टू द शॉप्स ऑन फुट एंड गेट वॉट वी वॉन्ट। वी शुड इवन समटाइम्स साइकिल टू वर्क। अनदर सजेशन इज दैट वी शुड हैव एटलीस्ट इन बिग सिटीज वन डे विदाउट कार्स। ठीक है, एक दिन हमें ऐसा करना पड़ सकता है कि बड़े शहर में बिना कार का हमें चलना पड़ेगा या चलना चाहिए। ठीक है, बड़े शहर में। ठीक है, तो बताइए पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए, पहले बताइए। देखो, सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ लिखा वी शुड ट्राई टू यूज द कार एज लिटिल एज पॉसिबल। तो पहला, ये तो पहला वर्ड क्या आ रहा है, कार आ रहा है, यानी नाउन क्या आया मेरा, कार आया। यानी अगला लाइन हमारा क्या होना चाहिए, इसी से रिलेटेड होना चाहिए। यस और नो? तो लिखा है द एक्सरसाइज विल बी श्योरली फॉर गुड फॉर अस। तो ये तो इसका तो रीजन ही नहीं दिया है, इट्स गुड फॉर मसल्स। ठीक है, गुड गुड वर्ड मैच कर गया, गुड और डू गुड क्या हो गया, मैच कर गया। यस और नो बोलो। हाँ जी, गुड और गुड मैच किया कि नहीं बताओ। यानी गुड बोला गया है कि एक्सरसाइज गुड है, बट किस चीज़ के लिए, हमारे बॉडी के मसल्स पार्ट के लिए, दिमाग ब्रेन के लिए वो तो अलग बात है, बट टेक्निकली मसल्स के लिए। ठीक, तो एक बात तो पक्का हो गया, या तो पी के बाद क्यू आएगा या क्यू के बाद पी आएगा। बोलो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बोलो। और अगर ये बात सच है तो सी ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू और पी कभी साथ में है ही नहीं, ऑप्शन सी में। लेकिन बाकी हम देखेंगे क्यू पी और पी क्यू है साथ में, तो हो सकता है, इसमें कोई खराबी नहीं है। ठीक, वी शुड गो टू द शॉप्स ऑन फुट एंड गेट व्हाट वी वांट। वी शुड इवन, इवन का इस्तेमाल तब करते हैं जब कनेक्टिंग पहला सेंटेंस बात कर चुकी हो, कर चुके होंगे। यस और नो? इवन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब पहला सेंटेंस बात हो चुकी होती है। इवन का मतलब के साथ साथ है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते हैं अपन, वी शुड ट्राई टू यूज द कार्स एज लिटिल एज पॉसिबल। उसके बाद क्या, वी शुड गो टू द शॉप्स, लेकिन कैसे करेंगे, अगर हमें कम से कम यूज करना है तो हमें क्या करेंगे, जब हम दुकान में जाते हैं आसपास के दुकान में, तो हमें पैदल जाना चाहिए और वहां से जाकर के लेना चाहिए। ठीक है, तो आर के साथ हम चढ़ सकते हैं। ठीक,
वी शुड इवेंट समटाइम्स टू साइकिल्स टू वर्ड, इवेंट का इस्तेमाल हम नहीं करते स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग सेंटेंस का हमारा कनेक्टिंग सेंटेंस दिखना चाहिए, यस और नो। अब गुड और गुड की बात है, एक्सरसाइज विल, तो एक्सरसाइज की बात अभी हुई नहीं, मसल्स की बात हुई नहीं है, यानी आर के साथ हम बढ़ सकते हैं और आर ही मेरा के पहला सेंटेंस होगा। वी शुड गो टू द शॉप्स एंड व्हाट वी वांट, उसके बाद क्या, आर के बाद क्या, साथ साथ में हमें साइकिलिंग भी करनी चाहिए, ठीक। और उसके बाद इट्स गुड फॉर द मसल्स, आप खुद ही सोच लो, नहीं तो बहुत कॉमन सा सिंपल क्वेश्चन है, इट्स गुड फॉर द मसल्स, द एक्सरसाइज विल श्योरली बी गुड फॉर अस, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मसल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है या साइकिलिंग करना इंपॉर्टेंट है, पहले क्लियर करो, टेल मी, एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है या साइकिलिंग करना है। साइकिल टू वर्क का मतलब नहीं समझे, जब ऑफिस जाओ तो साइकिल से जाओ, ऐसा कहना चाह रहे हैं। विल श्योरली भी लिखा है, क्या लिखा है, विल श्योरली बी गुड फॉर अस, ठीक है। तो एक बात क्लियर हो गया कि हम ऑफिस गए तो हमारा मसल्स पे काम होगा पैर का, है ना, और एक तरह से क्या है, एक्सरसाइज ही तो है, आना जाना, तो इस तरह से साइकिलिंग हमारे लिए है, हमारे लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, यानी आर एस क्यू पी एन ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जा सकते हैं, क्लियर है कि नहीं, यस और नो बोलो। आपको ये बात तो क्लियर है, जब आर से स्टार्ट होने वाला था, पहला ही सेंटेंस आर से स्टार्ट हो रहा है ना, बोलो क्लियर है कि नहीं, यस और नो बोलो, कोई तकलीफ, हाँ जी बोलो, क्लियर है कि नहीं बोलो, क्लियर है, ठीक है ना, ठीक है। तो आगे क्वेश्चंस, इसमें 15 क्वेश्चंस के आसपास दिया हुआ है, पीडीएफ आप लोगों को भेज चुका हूँ, तो आज कर लेना, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतने रखते हैं अपन, बाय, ठीक है। जो 6:30 के बच्चे हैं वो 5 मिनट का ब्रेक ले करके वापस आ सकते हैं, ठीक है, चलो बाय बाय। हाँ 6:30 वाले ज्वाइन कर, हाँ आप करना चाहो तो कर सकते हो, जीके ही पढ़ाने वाला हूँ तो आप चाहो तो ज्वाइन कर, एनडीए वाले भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जीके का सब्जेक्ट तो दोनों में कॉमन है ना, मैथ्स रहता तो एनडीए का मैथ्स अलग होता, बट जीके तो दोनों में सेम होता है, क्योंकि मैं आज गवर्नमेंट स्कीम्स बताने वाला हूँ, वो दोनों में आता है, इसमें कोई खराबी थोड़ी है ना, तो आप वापस ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस जल्दी चलता रहे, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर लंबा जा रहा है लंबा जा रहा है, तो अब वही टॉपिक मैं दो दो बार पढ़ाऊँ अलग अलग, क्या फ़ायदा है ना। तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, एंड थोड़ा 5 मिनट लेट भी आते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हम लोग 6:40 को लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, चलो बाय। अभी मैं ये वाला कैंसिल कर रहा हूँ, दूसरा लिंक एक्टिवेट करूँगा मैं, ठीक है। So we have covered the questions based on sentence rearrangement or jumbled sentences. So those who are new to this channel, subscribe to this channel, share with your friends. You can join the Telegram channel as well by typing English by Ravi Ranjan sir. You will get the print screen, that is screenshots, as well as the PDF which we have discussed today. And you must subscribe the channel and place the bell icon so that we will go to the most other questions coming on the next lecture. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you.